दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर हैं उनके पास अगर पैन कार्ड नहीं है और वो अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर 5 मिनट से भी कम समय में पैन कार्ड बना सकते हैं। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि पहले आपको पैन कार्ड बनाने के लिए 100 से 200 रुपए खर्च करने पड़ते थे और 1 से 2 महीने का आपको समय देना पड़ता था, लेकिन अब पैन कार्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर 5 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं और 1 भी रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव में आपको इस वीडियो में मैं एक नया पैन कार्ड बना के दिखाऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। फर्स्ट नंबर पर इनकम टैक्स जो लिखा हुआ है इसी को हमको क्लिक करना है, इंस्टेंट ई पैन कार्ड। अभी हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट न्यू ई पैन का जो ये ऑप्शन आया है इसको हमको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड जो कि इसमें फिल करने के बाद ये चेक बॉक्स जो है इसको क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये नीचे दिया गया जो कंटिन्यू है इस पे हम क्लिक करेंगे और ये सारी जानकारी जो कि आप समझने के बाद अब आगे ये जो है जो नीचे चेक बॉक्स दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो कंटिन्यू जो है इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो है अब ये बोल रहा है हमको अपना फोन को चेक करने के लिए, मतलब जो फोन नंबर जो हमारा इस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आया है जिसको कि हमको इस बॉक्स में इंटर करना है और इसके बाद ये जो चेक बॉक्स नीचे दिया हुआ है इसको हमको क्लिक करना है और क्लिक करने यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए हमारा ये जो है यहाँ पर फोटो का डिटेल्स जो कि आधार में उपलब्ध था वही चीज बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है और ये यहाँ पर ये जो है जो कि आधार नंबर जो कि हम दिए हैं इसमें वो यहाँ पर उपलब्ध है और अगला जो है ये जो कि हमारा नाम है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस जो कि हमारा आधार में है, ये तीनों जानकारी को हमको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। समझने के बाद ये जो है चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे। हमारा जो पैन कार्ड जो है वो उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है, ये जो चारों ऑप्शन जो दिया गया था ये चारों ऑप्शन पर सही का निशान लग चुका है और ये नीचे जो है हमारा रिक्वेस्ट सबमिट होने का जो है सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है और ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जो कि हमको मिल चुका है जिसके कि इसके सहारे हम आगे जो है अपना पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से हम इसी वेबसाइट पर आएंगे और इसमें इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करेंगे। इस बार हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, कंटिन्यू करेंगे। इस पर आधार नंबर डालकर कंटिन्यू करना है। अब आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, OTP यहां डालकर कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आप पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं, थोड़ी देर में आप चेक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, व्यू पैन कार्ड और डाउनलोडेड ई पैन। यहां से आप अपने पैन को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड एक PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड डालना होगा, आपका जो जन्म तिथि है वही आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर आप अपना जन्म तिथि डालेंगे, इसके बाद ओके करेंगे तो आपका पैन कार्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल पैन कार्ड है। इस तरह से आपको डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बिल्कुल फिजिकल पैन कार्ड जैसा ही होगा, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो इस विषय में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट basublog.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस विषय से संबंधित आर्टिकल मिल जाएगा
और जिससे आपको जानकारी पाने में और आपको अपना पैन कार्ड बनाने में सुविधा प्राप्त होगा और आप आसानी के साथ अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम ऐसा ही कुछ नया करें तो आपको मिस नहीं हो पाए।